मैं कुछ ऐसे आइटम करता था कि जब मेरा बाईपास हुआ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई आप जरा अभी डिसाइड कर लें एक हफ्ते बाद कि आप ज्यादा बोलेंगे कम बोलेंगे किस हिसाब से चलेंगे ताकि वही सेटअप हो जाएगा। मैंने कहा जी बस आप जो बोलेंगे वो बोला फास्ट रखो, तो मैंने फास्ट बोलना शुरू करा और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का एहसान है बाईपास के बाद भी अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया उसके अभी के सदके में कि मुझे अल्लाह ने बड़ी अल्लाह ने सेहत अदा फरमाई और मैं आज आपके सामने परफॉर्म करता हूँ, घंटों खड़ा रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। इसमें आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है, क्योंकि बाईपास ऑपरेशन बड़ा बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, 16-17-18 घंटे के बाद होश में आता है। मैं होश में आया, आप यकीन करो भाई, मेरी जान निकल गई होश में आने के साथ ही। मैंने देखा एक काली सी औरत मेरे बेड के पास खड़ी हुई, नर्स। मैंने कहा अल्लाह की कसम ये जन्नत नहीं है, ये जन्नत का आइटम ही नहीं है, ये आइटम ही दोजख का है। मैं कहा कोई नेकी काम नहीं आई, कहाँ आ गए भाई वो? तो जब वो लड़की बोली तो मुझे पता चला यार मैं लाहौर में हूँ। वो मुझे देखते बोली खुदा का शुक्र है उमर साहब आपको होश आ गई है। ओए मैंने कहा यार मैं लाहौर में। तो अल्लाह का एहसान है, करम है उसकी जात का, उसके एहसानात हैं कि वो हमें इस काबिल रखे कि हम लोगों में जाएं, उनसे बातें करें उनके। अब ये सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंसानों को खुश रखना। आप भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें, माहौल को अच्छा रखें, टेंशन ना दें ना लें और ना झगड़ा करें ना फसाद करें, एक दूसरे को ट्रैफिक में भी रास्ता दें, एक दूसरे से प्यार से देखना ही सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुरा के देखना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो अपना ये एटीट्यूड करें, गाड़ियों को चलाएं, किसी का सब्र ना आजमाएं। मैं अभी आ रहा था तो इतनी फास्ट गाड़ी में हम चलवा रहे थे कि यार आप तक पहुंच जाएं किसी तरह, और अल्लाह का एहसान है कि उसने लाज रख ली और मैं पहुंच गया। मैं फिर एक बार आपसे देर से आने की माजरत चाहता हूं, एक बार फिर आपसे माजरत चाहता हूं। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर वो माफ़ कर दीजिएगा, दिल में ना सोचिएगा कि मैं हैदराबाद को, मैं बहुत आना चाहता हूँ हैदराबाद, हमेशा आना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग यहाँ कुछ किया करें ऐसा कि मुझे आना हो यहाँ, और मैं यहाँ के लोगों को भी तफरी दूँ, वीडियो के जरिए देता हूँ, मैं लाइव चाहता हूँ यहाँ पे आऊँ। आपके प्यार मोहब्बत को मैं हमेशा याद रखूँगा, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हॉस्पिटल बनाने के लिए, जब भी चंदा करने के लिए पूरे मुल्क में निकलूँगा, हैदराबाद भी एक जगह होगी। जी भाई नदीम जमील साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जरा तशरीफ लाएं चंद लम्हों के लिए। जनाब कुछ और कह दीजिए, मेरे मुताबिक कह दीजिए। उमर शरीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी दावत पर हैदराबाद। कुमार भाई मैं आप मेरे ख्याल है शायद मैं जितना भी शहर देखता हुआ आया हूँ आपकी मेहनत जो है ना मुंह से बोल रही है माशाल्लाह। आपने बड़ा शहर में काम किया है और बड़ी यानी कि अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा जो है ना माशाल्लाह तरक्की, कभी मैं हैदराबाद आता हूँ तो मैं चक्कर लगाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कितना काम हो, अभी बड़ा चेंज देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको और हिम्मत अदा फरमाए, और यही कायदे तहरीक का आपको सबको यही उनकी फलसफा है कि सहूलतें सबके लिए होनी चाहिए, ज़िंदगी सबके लिए होनी चाहिए, सबको जीना चाहिए और यकसान जीना चाहिए। तो आपका अल्लाह ताला इसी तरह आपको लोगों के लिए खिदमत का जज्बा रखे आपके अंदर। हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ख़ौदर हज़रात मुझे भी इजाज़त दीजिए और मैं इस नारे के साथ कि पाकिस्तान और नारा पीछे लेकर आ।
अच्छा दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि ये एक जंगल में मंगल लगा हुआ है माशाल्लाह, तो ये प्रोग्राम 3 डेज का है, आज हुआ, कल हुआ, परसों भी होगा, तो आप इसमें जितनी शमूलियत करेंगे, जितनी आप लोगों को ओपन इनविटेशन है अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, फैमिलियों को लाएं, दिस इज प्योर फैमिली। और आपको पता है कि जो ऐसे फंक्शन होते हैं हम लोगों के, इनके अंदर फैमिलीज को एक खास रिस्पेक्ट दी जाती है और मोहब्बत दी जाती है। आपकी तवज्जो का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।